तो होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंग न्यूज वर्ल्ड इंडिया के संग नमस्कार। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के कवि सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। होली के रंग बिना कवि सम्मेलन के पूरा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। बिना कवियों और कवियतियों के और कुछ मस्खरे कवियों के बिना होली के रंग एकदम फीके लगते हैं। इसलिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपके लिए लेकर आया है कवि सम्मेलन, जिसमें हम आपके होली के रंग के साथ ही सभी रंगों से रूबरू कराएंगे। सियासत के रंग भी होंगे, प्यार मोहब्बत के रंग भी होंगे, इश्क के रंग भी होंगे और जोश के रंग भी होंगे। आपको हम हर रंग दिखाएंगे और आपकी होली को और ज्यादा रंगीन करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, कवि सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ कवियों की टोली है जिनसे सबसे पहले आप लोगों की जो पहचान है वो करा देती हूँ, आप लोगों से मुलाकात करा देती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर धनोज कुमार हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, कवि हैं, गायक हैं और तमाम कवि जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगी। तो धनोज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत करती हूँ इस कवि सम्मेलन में। बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज वर्ल्ड इंडिया के मंच से मैं तमाम देशवासियों को होली की हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और दो लाइन से मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि पहला होली तो कहते हैं कि जो प्यार मोहब्बत है खुद के लिए उसके लिए, जमाने के लिए आज होली है, जमाने के लिए आज होली है, मुझे तो तेरी यादें रोज रंग देती है। मैं सर्वप्रथम होली उन्हें मैं समर्पित करता हूँ जो मेरे साथ साथ चल रही है, जो मुझे संवार रही है, जो मुझे संजो रही है। और कहते हैं ना, जीत का ना हार का है, होली का त्यौहार तो बस प्यार का है। खुदा करे हर साल चांद बनके तुम आए, खुदा करे हर साल चांद बनकर तुम आए, दिन का उजाला शान बनके तुम आए। कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी, कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी, ये होली का त्यौहार ऐसा मेहमान बनके तुम आए। क्या बात है धरो। और जी, होली की बात हो काजल, अगर मैं बर्ज की बात ना करूं, मैं राधा मोहन की बात ना करूं, मैं कन्हाई की बात ना करूं, लटमार होली भी होती मशहूर है। और होली देखिए, होली का तो इसीलिए है क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, जिनको मैंने विष्णु हरि करते थे और उनसे उसकी नफरत थी, और अपने बहन होलिका को बोला कि ये तो जिंदा रहेगा और मतलब मेरे लिए श्राप ही बन के रहेगा, क्योंकि मैं इसे बोलता विष्णु का नाम मत लो और ये लेता है। तो उन्होंने उनको कहा कि इसको गोद में लेके बैठ जाओ, क्योंकि उसको वरदान था कि आग में नहीं जलेगी। और बोला दुनिया को ही पता नहीं चलेगा कि हमारा पुत्र कैसे मरा। होलिका ने जब उसको लेके बैठा तो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जो है श्री हरि विष्णु करते रह गए और बच गए। तो आइए मैं दो लाइन मैंने एक गीत कह लीजिए, जो कह लीजिए, फिर अगले को आप बुलाएंगे, फिर सांस लेने का भी वक्त मिलेगा, तो मैं वहीं से उठाता हूँ। मोरा कौन हरे दुख पीरा, मेरा मोरा बोलते वहां हम लोग मेरा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वहां ब्रज की बात करें तो मोरा कौन हरे दुख पीरा, बिना रघुवीरा। मोरा कौन हरे दुख पीरा, लगे आसड़े उमर धन गर दे, लगे आसड़े उमर धन गर दे, सावन गरुण गंभीरा, सावन गरुण गंभीरा। मोरा कौन हरे दुख पीरा, मेरा मोरा कौन हरे। देखिए मीनू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं धनोज जी। हाँ, दो लाइन और दूंगा भक्त उन्हें भी। मोरा कौन हरे दुख पीरा, उरे गुलाल लाल भये बादर, क्या बादर नहीं बादर, बादर उरे गुलाल लाल भये बादर, सावन गरुण गंभीरा। मोरा
कौन हरे दुख पीरा रघुबीरा बिना रघुबीरा मुरा कौन हरे दुख पीरा। आगे के लाइन सुनिए, मैं अंत में ही चल रहा हूं इस गीत और इसके जो है बोल का। बादम बिजुरी तरा बिजली जो गरजते हैं बादलों में, बादम बिजुरी तरा तर 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 के, बादम बिजुरी तरा तर 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 के, वो तेरी भरी आहे। जब आहे भरते हैं, मान लीजिए कोई प्रेमी का प्रेमिका, किसी प्रेमी के प्रेमिका अगर आहे भर दे तो समझिए कि बिजुरी जो है ना गरज गया। क्योंकि उस क्षण को हम जैसे कवि और गायक इस तरह से बोलते हैं, बादम बिजुरी तरा तर तर के, बादर बिजुरी तरा तर तर के, वो तो भरिया है चौदिसी नीरा, मोरा कौन दुख हरे पीरा, मोरा कौन हरे दुख पीरा, बिना रघुबीरा मोरा कौन हरे दुख पीरा। क्या बात है धनोज जी, आपने तो पूरा एकदम प्रेम रस से सराबोर करा दिया है। मीनू जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनू जी देखिए, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कवि सम्मेलन में आपका। और मैंने सुना है कि आप श्रृंगार रस बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत अच्छी अच्छी आपके पास कविताएं भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हैं, गीत भी हैं, तो जरा सुना दीजिए। जी, मैं सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करती हूँ। धनोज दादू मेरे बड़े दादू हैं, इन्हें प्रणाम करती हूँ। और देश की बड़ी कवित्री आदरणीय गौरी जी यहाँ पर मौजूद हैं, देवेंद्र जी हैं, आप सभी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। चार पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। परिचय की पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने और आनंद लें। राधा किशन से सीखा मैंने प्यार दोस्तों, राधा किशन से सीखा मैंने प्यार दोस्तों। प्रेम प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई? राधा और कृष्ण के प्रेम से हुई। और मैंने इन चार पंक्तियों में कह दिया हो कि प्रेम प्यार हो गया, प्रेम प्यार की शुरुआत राधा किशन से हुई। चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बात समझ में आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। राधा किशन से सीखा मैंने प्यार दोस्तों, श्री राम से मर्यादा संस्कार दोस्तों, मस्तक की खूबसूरती चंदन से बन गई, करने लगा है पूजा परिवार दोस्तों, करने लगा है पूजा परिवार दोस्तों। होली का पावन त्योहार, प्रेम प्यार का त्योहार आ रहा है। चार पंक्तियां और इसी पर आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ, सुने और आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। तुझे एक पल में उड़ा देगी हवाएं मेरी, तुझे एक पल में उड़ा देगी हवाएं मेरी, सोलवा साल है कातिल है निगाहें मेरी, जुल्फ लहरा के जब मैं सड़कों पे निकलती हूँ, चांद आ जाता है लेने को बनाए मेरी। एक गीत आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। तन भी पारस मन भी पारस, छू लूं तो कर दूं सोना। आदरणीय धनुष दादू गीत सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। बिल्कुल बेटा, एकदम कंटिन्यू। तन भी पारस मन भी पारस, छू लूं तो कर दूं सोना, हमसे कितना प्यार है जानम एक बार तो कह दो ना, एक बार तो कह दो ना,
के मोबाइल पे हमने कितना ट्राई किया है तुमको, एक बार इजहार इशारा कर तो देते हमको, ढूंढ ढूंढ कर हारा तुमको ये नैनों का काजल, पर जाने क्या मूड तुम्हारा जो सावन का बादल, कि मेरे मन में तेरी खुशबू महक रहा कोना कोना, हमसे कितना प्यार है जानम एक बार तो कह दो ना, एक बार तो कह दो ना। अगला बंद हाजिर करती हूँ कि नाम हथेली पर लिखती हूँ बार बार मैं तेरा, तुमसे प्यार हुआ है जाने कितना गहरा गहरा, खोल के दरवाजा बैठी हूँ पर तू ना आया रे, मेरे दिल के साजन तेरा गीत सदा गाया रे, देर है बस नजरें मिलने की कर दूंगी जादू टोना, हमसे कितना प्यार है जानम एक बार तो कह दो ना, एक बार तो कह दो ना, कि जब से तुमको देखा तो खुल कर किस्मत के तारे, चैन से सोया है तो मेरी नींद उड़ाने वाले, पानी में मत चांद दिखाना सन ले जाने जाना, दिल दे कर लेने का सौदा करना हो तो आना, मेरा दिल कि मेरा दिल कितना गहरा तेरा दिल है कितना बोना, हमसे कितना प्यार है जानम एक बार तो कह दो ना, एक बार तो कह दो ना। क्या बात है मीनू जी, गुरु तो गुरु शिष्य भी कम नहीं है यहाँ पर। देखिए प्रेम और श्रृंगार से पूरा सराबोर यहाँ पर आप लोगों ने कर दिया है। धनोज जी देखिए मीनू जी को सुना हमने, बहुत ही प्यारा यहाँ पर गीत उन्होंने रखा हम सबके सामने। तो देखिए प्रेम रस की बात हो गई है, श्रृंगार रस की बात हो गई, लेकिन इस बार की अगर जो होली की हम बात करें तो इस होली पर सियासी रंग खूब चढ़ा हुआ है, क्यों धनोज जी? सही कहा मैंने? बिल्कुल, तो चलिए आप भी जरा सियासत का रंग जो है वो लगा लीजिए। तो सियासत के रंग में दो लाइन हो जाए, क्योंकि अभी अभी बीजेपी ने परचम लहराया है, तो उनके लिए भी मैं अगर जिक्र ना करूँ तो होली जो है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में मैं अभी नोएडा में हूँ और उत्तर प्रदेश के लोग जो है भाजपा होली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने जीता है, तो दो लाइन वहीं से शुरुआत करता हूँ। रण जीत के आया हूँ, रण जीत के आया हूँ, सबके चेहरे पे रंग लगाया हूँ, सबके चेहरे पे रंग लगाया हूँ, भाईचारा एकता अखंडता, भाईचारा एकता अखंडता का संदेश लाया हूँ, रण जीत के आया हूँ, सबके चेहरे पे रंग लगाया हूँ, भाईचारा एकता अखंडता का संदेश लाया हूँ, जनता के प्यार स्नेह से, जनता के प्यार स्नेह से परचम लहराया हूँ, जनता के प्यार स्नेह से परचम लहराया हूँ, रण जीत के आया हूँ। इस होली के शुभ अवसर पर भाजपा जो है चार स्टेट में जीत दर्ज की। बिल्कुल, और धनोज जी वो जो सुर्ख लाली है, सुर्ख लाली है जीत की, वो भी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। बीजेपी का रंग बखूबी चढ़ा हुआ है धनोज जी पर। देवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
देवेंद्र वैष्णव जी हैं। देवेंद्र जी, तो देखा आपने दनोज जी पर बीजेपी का जो सुर्ख रंग है वो बखूबी चढ़ा हुआ है होली के दिन। अरे बिल्कुल साहब, इनका तो अलग ही अंदाज है, इसकी इनकी आवाज में लग रहा है। नमस्कार दादा, आपको प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। तो देवेंद्र जी, कुछ सुना दीजिए कुछ अच्छा। जी मैडम, पहले तो मैं सभी देशवासियों को होली की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। और होली तो एक मस्ती और आनंद का त्योहार होता है। अब क्या बताऊँ आपको कि होली में अगर भांग नहीं हो तो मैं कह रहा हूँ कि होली का मजा ही नहीं है। अब कीर्ति जी, वो क्या हुआ कि पिछले साल में थोड़ा सा भांग में टुमनो करके मेरे ससुराल पहुंचा और जाते ही मैंने मेरी सास को कहा, अब देखो भांग है, होली की मस्ती है, हो गया जो हो गया, आनंद ले आप। तो तब मैंने मेरी सास को कहा, जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। तब मैंने मेरी सास को कहा, जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, और कंपनी का लाभ नहीं मिल पाता है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो, काम सारे बंद हैं। और सासू माता बोली, अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है। ऐसी ऐसी बातें हो जाती है। दादा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लगे रहिए और सास के प्रोडक्ट पर ज्यादा हमला मत करिए, क्योंकि सास का प्रोडक्ट है तो आप हैं। जी दादा, होली की मस्ती है दादा, चलता रहता है। मैं चार पंक्तियां आपको, बिल्कुल बिल्कुल, देश की स्थितियां और परिस्थितियां कैसी कैसी हो जाती है बीच बीच में। हालांकि मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, लेकिन पर समय समय पर जो हमें टीवी चैनल के माध्यम से ये सुनाई देता है, देखो बुराइयों का समापन होना जरूरी है देश में, तो एक गीत विशेष मैं आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। बहुत अच्छा गीत, वो आप तय करेंगे गीत कैसा है, गीत रख देता हूँ कि भारत के जो अपने सेना के जवान जो मतलब बॉर्डर पर युद्ध करते हैं, समय समय पर लड़ाइयां लड़ते हैं देश की अस्मिता की रक्षा के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए। पर आज का जो वर्तमान समय में देश की जो स्थिति है, देश का जो वातावरण है, समय समय पर मर्डर, गैंगरेप, बलात्कार, ऐसे ऐसे कांड अपने देश में हो जाते हैं, कुछ कांड नेताओं के द्वारा भी कर दिए जाते हैं, तो फिर मेरे मन में एक बात आती है, मैंने कहा क्यों अपना देश का महान योद्धा, सैनिक, फौजी बॉर्डर पे जाकर के ऐसे लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तब मैं एक गीत निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। मातृभूमि पर मरने वालों, मातृभूमि पर मरने वालों, तुम क्यों जान गंवाते हो, मातृभूमि पर मरने वालों, जो ना समझे बलिदानों की परिभाषा समझाते हो, मातृभूमि पर मरने वालों, ताश के जोकर हैं ये सारे जिनका कोई काम नहीं, ताश के जोकर हैं ये सारे जिनका कोई काम नहीं, इक्का नहले दहले बेगम के आगे आराम नहीं, इनको पड़ी हुई है आदत चरण वंदना करने की, चाहे पगड़ी ठोकर में हो अपनी जेबे भरने की, तुम क्यों अपने शीश कटा गाथा मर्दानी गाते हो, मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो, मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो। मेरा तो एक निवेदन है देशवासियों से कि ये जो फौजी लोग भारत के सैनिक बॉर्डर पे अपने परिवार को छोड़कर पड़े रहते हैं और देश के लिए अपने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे देते हैं, तो साथ ही साथ हम जो देश में रहने वाले भारतवासी हैं, अपना भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि देश की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एकजुट होकर के कार्य किए जाएं। फिर एक चार पंक्तियां और निवेदन करता हूं। अंतर मन की हत्या कर बैठे पौरुष का ज्ञान नहीं, अंतर मन की हत्या कर बैठे पौरुष का ज्ञान नहीं, राणा मर्दानी और चेतक की बातों का मान नहीं, मुगलों अंग्रेजों के तलवे चाटे चाटुकार है ये, जय चंदों से भरी हुई माला के मालाकार है ये,
हर कुर्सी भ्रष्टाचारी है, जय किसान बतलाते हो। हर कुर्सी भ्रष्टाचारी है, जय किसान बतलाते हो। मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो। मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो। दादा मैं इस देश में मैं देखता हूँ मीनू जी, दादा आप सभी को प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि इस देश में जब समय समय पर मैं पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, दिल्ली जैसे बड़े महानगर में, देश की राजधानी में जब बलात्कार जैसे, गैंगरेप जैसे कांड हो जाते हैं, तो मतलब ऐसी वैसी जब घटनाएं जब मैं सुनता हूं तो मेरा मन क्या है कि बिल्कुल अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। और फिर मेरे मन में वही प्रश्न आता है कि क्यों ऐसे दुष्टों के लिए आप अपने प्राणों की आहुति देते हो। और कहीं ना कहीं आप हम सभी का, नेताओं का, अपने देशवासियों का, सभी का ये फर्ज बनता है कि अपन सभी लोग मिलकर के देश के लिए कुछ ना कुछ करें और ऐसे दुष्टों से देश को थोड़ी निजात मिले। तब पढ़ता हूँ कैसे कैसे लोग हैं अपने देश में, नन्नी परियों की काया इनको मादक लग जाती है। दादा सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, नन्नी दुखद ये है, नन्नी पर हमारे देश के लिए नन्नी पर नन्नी परियों की काया इनको मादक लग जाती है। कैसे फसल सुरक्षित होगी बाढ़ खेत को खाती है। नन्ही परियों की काया इनको मादक लग जाती है। कैसे फसल सुरक्षित होगी बाढ़ खेत को खाती है। सीताएं अब भी जलती है अग्नि के तालाबों में। राम राज्य देखा जाता है ग्रंथों और किताबों में। आस्तीन में सांप पले हैं वंदे मातरम गाते हो। आस्तीन में सांप पले हैं वंदे मातरम गाते हो। मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो। मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो। इस देश में मैं मेरे देश के मुसलमानों से बहुत प्रेम करता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी से मिलकर के अपने देश की रचना हुई है। सुनिएगा इन चार पंक्तियों से क्या समझते हैं ये लोग और किस किस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। सुनिएगा, तो मात पिता के अरमानों को देखो कैसे छांट लिया। मात पिता के अरमानों को देखो कैसे छांट लिया। बेटों ने हरियाला आंगन दो हिस्सों में बांट लिया। जिनके दादा पर दादा आपस में भाई भाई हैं। जिनके दादा पर दादा आपस में भाई भाई हैं। रक्त पिपासु है हिंदू मुस्लिम भी आज कसाई है। गेहूं में घुन पड़े हुए क्यों दीपक राग सुनाते हो। मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो। मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो। और दादा बीनू जी आप सभी को निवेदन करता हूँ, अंतिम चार पंक्तियां सुनिएगा आप कि अपने देश के नेता किस किस प्रकार के बड़े से बड़े घोटाले कर देते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने देश की रक्षा के बारे में कुछ सोचा। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। और जब कभी कोई भारतीय फौजी कहीं पर सीमा पर अपने आप को आहुति लग जाती है उनकी मातृभूमि के हवन में, रक्षा के हवन में, तब भी कई लोग, कई नेता ऐसे होते हैं जो सैनिकों के सम्मान में भी अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तब जाकर मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कब भेजा है किसी मंत्री ने बेटे को सीमा पर। कब भेजा है किसी मंत्री ने बेटे को सीमा पर। तेरे घर में रखा है नई नवेली ही ना पर। कब भेजा है किसी मंत्री ने बेटे को सीमा पर। तेरे घर में रक्त गिरा है नई नवेली ही ना पर। कुर्सी के चक्कर में चोरों के दल में मजबूती है। जनता का शासन है फिर भी जनता पैर की जूती है। पत्नी का सिंदूर मिटा क्यों अपना लहू बहाते हो। पत्नी का सिंदूर मिटा क्यों अपना लहू बहाते हो। मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो। मातृभूमि पर मरने वालों तुम क्यों जान गंवाते हो। क्या बात है। और अंतिम चार छह सभी इन सभी पंक्तियों को सुनकर बहुत ही आनंद आया और बहुत अच्छा लगा। आपने इस गीत के माध्यम से जो हमारे देश की समस्या है उनको उजागर कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आज जो होली के दिन इन सभी रंगों को भूलकर जो मातृभूमि का रंग है वो सभी पर चढ़ता हुआ नजर आएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा भी मानना ऐसा ही है कि मतलब देश की जो कुरीतियां हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाए और जो आने वाली होली है वो बड़ी ही जोरदार धूमधाम से मने। और केवल चार पंक्तियां अगर आपका आदेश हो तो मैं और पढ़ना चाहूंगा देश के नाम, उन लोगों के लिए जो भारत में रहते हुए भारत माता के प्रति कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, तब मैं कहना चाहूंगा कि भाई मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, तब मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, पार्थ यानी अर्जुन, जब मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा और चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा, और भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतो हत युधिष्ठिर ही बोलेगा। और चार बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। क्या बात है, ये मैंने अंतिम चार पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखी, बहुत बढ़िया। और जो बहुत अच्छा लगा, ये गीत आपका बहुत अच्छा लगा, ये पंक्तियां भी बहुत अच्छी थी। धनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मीनू जी लगातार बनी हुई है। मीनू जी आपका रुख करूंगी, इसके बाद धनोज जी के पास आऊंगी। मीनू जी देखिए, देशभक्ति से पूरी तरह से सराबोर यहाँ पर देवेंद्र जी ने कराया है और कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं देश की वो उन्होंने उजागर किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखिए, होली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, उम्मीद करते हैं कि आज होली के दिन सभी तमाम जो नकारात्मकता है उसका खात्मा होगा, एक बार फिर से देश जो है वो एक ही रंग में नजर आएगा, जो है मातृभूमि का रंग। मीनू जी कुछ और हो जाए, श्रृंगार रस प्रेम रस से जुड़ा। बिल्कुल, आपको पुनः प्रणाम करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। होली का पावन त्योहार आने वाला है दोस्तों, 17 तारीख को होली है और प्रेम प्यार का त्योहार है, मनोहार का त्योहार है, रंगों की फुहार है। चार चार पंक्तियां आप सभी के बीच में रखती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगी। एक प्रेम से प्रेम का गीत आप सभी के बीच में रखती हूँ, उससे पहले चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। सुने सुनाइए। अंधेरी रात में जब घर से निकल जाते हैं, अंधेरी रात में जब घर से निकल जाते हैं, कई दीवाने हमें देख के जल जाते हैं, हमारे हुस्न के दर्शन के लिए ऐ मीनू, गगन में चांद सितारे भी मचल जाते हैं, गगन में चांद सितारे भी मचल जाते। एक और आपके बीच में चार पंक्तियां और रखती हूँ, उसके बाद अपना गीत पढ़ूंगी। धनोज जादू यहाँ पर बैठे हुए हैं, दादा प्रणाम करती हूँ आप सभी का। बहुत बहुत लेकिन आज थोड़ा जो आपने अपने धरा कहते राजस्थान, वही कुछ हो जाए होली की। जी जी बिल्कुल, मैं मीनू जिस चीज के लिए जाना जाता बेटा वो होना चाहिए श्रृंगार रस। आज कुछ उखरे उखरे से लग रहे हो, होली है, होली को होली के तरह होना चाहिए। कभी जो है ना, कभी मन से होली खेलता है। बिल्कुल 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 बेटा। एक चार, प्यासी नजरों का प्यार सुना है, प्यासी नजरों का प्यार सुना है, सुना पन घट ये द्वार सुना है, जब से तुम दूर क्या गए मोहन, मन का हर तार तार सुना है, मन का हर तार तार सुना है। एक गीत से आप सभी को जोड़ती हूँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा ये गीत आप सभी को बहुत पसंद आएगा। प्रणाम निवेदित करती हूँ और एक गीत से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि नगर डगर नगर डगर हर गांव गली, नगर डगर हर गांव गली,
इश्क इश्क की हवा चली, भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली, नगर डगर हर गांव गली, इश्क इश्क की हवा चली, भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली, कि यौवन 16 पार हुआ। क्या होता है 16 साल की उम्र में? आप सबने 16 साल की उम्र को जिया होगा। 16 साल की उम्र में क्या होता है पहला प्यार? सुनिएगा कि 16 साल की उम्र में अगर आपको वो प्यार जिया है, तो अगर आपकी प्रेमिकाएं अपनी प्रियतमा नजर आ जाए तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। कि यौवन 16 पार हुआ, फिर 16 श्रृंगार हुआ, बालाहाला का प्याला रूप खिला कचनार हुआ, खुद खुद की तस्वीरों में खुद को झांक रही पगली, नगर डगर हर गांव गली, इश्क इश्क की हवा चली, भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली। अगला बंध निवेदित करती हूँ। कि प्यार किया तो डरना क्या, प्यार में जीना मरना क्या, बिन साजन के सजनी का सजना और संवरना क्या, कि प्यार किया तो डरना क्या, प्यार में जीना मरना क्या, बिन साजन के सजनी का सजना और संवरना क्या, तड़प रहा मन मिलने को जल बिन जो तड़पे मछली, नगर डगर हर गांव गली, इश्क इश्क की हवा चली, भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली। क्या बात है मीनू जी, चलिए धनोज जी कर मीनू जी सुनिएगा। मीनू जी बहुत बहुत खूब, और जरा होली के रंग भी इसमें दिख जाते तो और ज्यादा हमें अच्छा लगता। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुने सिंगार के रस में, मैं जानता हूँ बेटा, वो कहते हैं ना कि आज होली है, होली पे जी जी। जैसे काजल मैं कहना चाहता हूँ, देखिए दो लाइन से मैं जोड़ता आप लोगों को, सारा देश खेल रहा आज होली, सारा देश खेल रहा आज होली, मिटा कर राग देश जात पात का, मिटा कर राग द्वेष जात पात कर, बना कर परिवार की टोली, सारा देश खेल रहा आज होली। तो मैं देवेंद्र भाई आप भी सुनेंगे, क्योंकि मेरे जहन में था, और मीनू भी जानता है कि जब मैं किसी कवि सम्मेलन में होता हूँ तो मैं जरूर देशवासियों को जोड़ता ही हूँ। लेकिन जो देश के सच्चे नायक है, मेरे नजर में सच्चे नायक नेता नहीं है, मेरे नजर में सच्चे नायक जो बॉर्डर पर 45 डिग्री सेल्सियस माइनस और प्लस में जो रहते हैं, जो कंधों पर वो जो 100 किलो का वो AK-47 पता नहीं आजकल क्या क्या विपन्न आ गया, उसको लेकर चलते हैं, और बर्फ के सैया में जो अपने आप को रखते हैं, जो बर्फ से होली खेलते हैं, मैं पहले उन्हें नमन कर लूं। दो लाइन में उनको अपने देश के तमाम सेना को आज के इस होली के शुभ अवसर पर मैं दो लाइन अगर उसके लिए ना बोलूं तो मुझे लगता है कि मेरी होली अधूरी है। और सुनेंगे देवेंद्र भाई आप भी, और मीनू आप भी सुनना, हालांकि कई बार मौका मिला है हम लोगों को, और ये हमारा परिवार है, कभी परिवार हमारा जहाँ भी होता है देश के लिए आवाज उठाते रहते हैं, और मैं डॉक्टर धनोज कुमार सेना के लिए तो जरूर बोलता हूँ। मैं करता हूँ भारत माता को, मैं नमन करता हूँ भारत माता को, मैं सम्मान करता हूँ सेना जवान को, मैं सम्मान करता हूँ सेना
जवान को मैं नमन करता हूँ, भारत माता को मैं प्रणाम करता हूँ, मातृभूमि भारत माता को मैं नमन करता हूँ, भारत माता को मैं सम्मान करता हूँ, सेना भारत जवान को। देवेंद्र भाई, क्योंकि वो है तो हम है, अगर वो नहीं होते तो हम कहाँ होते। और ऐसे न जाने हम जैसे नौजवान कितने अपने आहुति दे दिए। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, मैं श्रद्धांजलि, काजोल मैं दिल की बात है, क्योंकि वो नहीं होते तो आप एंकर नहीं होते, आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के होली के लिए कुछ नहीं कर पाते, और हम लोग गुलाम ही होते। लेकिन उन्होंने जो आजादी दी है अपने आहुति देकर, मैं उनके लिए दो लाइन कहना चाहूंगा। मैं सम्मान करता हूँ भारत सेना जवान को, मैं सम्मान करता हूँ भारत सेना जवान को, मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, मैं श्रद्धांजलि देता हूँ शहीद सेना जवान को, मैं श्रद्धांजलि देता हूँ शहीद सेना जवान को, मैं नमन करता हूँ भारत माँ को, मैं नमन करता हूँ भारत माँ को, मैं सम्मान करता हूँ सेना जवान को, भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्योंकि यही दो शब्द हैं हमारे बाप दादा ने देश के लिए गोली खाए, अंग्रेजों की गोली खाए, आज उनके बच्चे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्टूडियो से बैठकर संदेश देते हैं। और मैंने कहा था कि सज गया मुकुट भाजपा को, तो दो लाइन तो विपक्ष के लिए भी बनता है, क्योंकि अगर मैं होली विपक्ष को होली की शुभकामना ना दूं तो विपक्ष के सारे नेता नाराज हो जाएंगे कि डॉक्टर धनोज कुमार ने भाजपा को याद किया, हमें क्यों नहीं याद किया। तो विपक्ष में कांग्रेस, सपा, RLD, लोकदल सब आते हैं, तो वहीं से कहते हैं दो लाइन। देवेंद्र भाई जरूर सुनिएगा इसको, तंज कह लीजिए, बैंक कह लीजिए, शेर कह लीजिए, फलसफा कह लीजिए, जो मर्जी आए कवि के तौर पर कुछ भी कह लीजिए। जो चीख चीख कर चिल्ला रहा था, जो चीख चीख कर, ध्यान दीजिएगा काजोल, और मैं चाहता हूं न्यूज वर्ल्ड इंडिया के तमाम व्यूज आज इस होली के मौके पर विपक्ष के लिए जो मैं कह रहा हूं जरूर सुने, क्योंकि उसको चीखना आता है। जो चीख चीख कर चिल्ला रहा था वो हार गया, जो चीख चीख कर चिल्ला रहा था, देवेंद्र भाई, जो चीख चीख कर चिल्ला रहा था वो हार गया, जनता ने अपनी ताकत से उनको मार गया, जो चीख चीख कर चिल्ला रहा था वो हार गया, जनता ने अपनी ताकत से उनको मार गया, ताज सजा गया उनके सजदे में। सजदे मतलब सर को कहते, बहुत पवित्र स्थान होता है जहाँ सिख पगड़ी बांधते हैं, हमारी माँ बहनें दुपट्टा लेती है, क्योंकि हम लोग जब मंदिर जाते तो सर ढकते हैं, तो कहते हैं ताज सजा गया सजदे में, जीत का तिलक लगा गया माथे में, जो चीख चीख कर चिल्ला रहा था वो हार गया, जनता ने अपनी ताकत से उनको मार गया, सजदे में जिसने झुकाया सर, मैं नाम नहीं लूंगा पार्टी का, सजदे में झुकाया जिसने सर, उनके माथे पर तिलक लगा गया, उनके माथे पे तिलक लगा गया। क्या बात है धनोज जी, होली के जो रंग है पूरी तरह से सियासी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और धनोज जी BJP के रंग में नजर आते हैं रंगे हुए, बिल्कुल। और आज विपक्ष को लेकर भी बोल रहे हैं, बात सच्चाई की है, बात राष्ट्रवाद की है, बात हिंदुस्तान की है, और मैं बात कर लूँ थोड़ा सा श्याम मनोहर नंदलाल की, कहते उनके बिना मेरी होली बहुत अधूरी है। और मीनू खासतौर बेटा आप, क्योंकि आप श्रृंगार रस गाती हो और मैं तो मिक्स गा देता हूँ, आपको तो पता है,
लेकिन दो लाइन में जरूर कहूंगा होली, क्योंकि होली का प्रचलन जो है होलिका, होलिका मतलब एक ऐसी बेटी जो विष्णु की भक्त तो थी लेकिन अपने भाई के कहने पर अपनी भतीजे को गोदी में लेके बैठ गई। होलिका मतलब होलिका की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी अपने भतीजे को मारना प्रहलाद को। तो दो लाइन में बेटी के लिए जरूर कहूंगा मैं बेटिया, फिर मैं आऊंगा, मैं थोड़ा सा भक्त लेना चाहता हूँ। मैं कभी कभी बेटियों को याद करता हूँ क्योंकि हमारे घर में बेटियां बहुत कम रही, हम सात भाई, और कहते ना कि अब बड़ी मुश्किल से हमारे घर में हमारे भाइयों को बेटियां हुई है, तो पता चलता बेटी नहीं वो लक्ष्मी है। तो दो लाइन में उनके लिए जरूर कहना चाहूंगा मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया मैं गुरिया तेरे चौखट की। आप भी काजल अपने घर जाती होगी अपने मम्मी पापा के सामने, आज भी गुड़िया ही होगी क्योंकि आप बड़ी हो गई, 1000-1200 रुपया लेके उसके सामने भी रखती होगी कि पप्पी मम्मी पापा मैं कमा रही हूँ, लेकिन आज भी उसके लिए गुड़िया। मैं भी क्योंकि अभी हमारे मम्मी पापा नहीं है, वो जहाँ से भी देख रहे उनके लिए मैं आज भी गुड्डा हूँ। लेकिन वो कहते नहीं कि बेटा और बेटी में बहुत फर्क नहीं मानते जो सच्चे भारतीय होते हैं, लेकिन बेटी का जो स्थान है क्योंकि भारत माँ हमारी बेटी के तौर पर ही जाने जाते हैं। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं गुरिया तेरे चौखट की, जाऊंगी बैठ के डोली। क्योंकि हर लड़की यही सोचती है चाहे वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो पढ़ लिख कर, क्योंकि उनका सजदा जो होता है माँ बाप के साथ होता है, क्योंकि जब माँ बाप को चिंता मग्न देखता तो क्या सोचता है माँ बाप कि मेरी बेटी बड़ी हुई लाडली बड़ी हुई कब उसका डोली उठे। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं गुरिया तेरे चौखट की, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुरिया तेरे चौखट की, मैं गुरिया। चूंकि ये बहुत लंबा है मेरा लेखनी, ये आप लोग बहुत दूर दूर तक सुने हैं, लेकिन मैं चाहता था दो लाइन, क्योंकि देवेंद्र भाई ने कहा था आज भी बहुत सारी माएं हैं कोख में ही अपने बच्चे को मार देती है, हमारे भारत में बेटे के चाव में बेटियों को मार देती है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा आज होली के उपलक्ष में कि बेटी बेटे से बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छी होती है। अगर माँ बाप संकट में हो और बेटी सात समंदर पार अमेरिका में क्यों ना हो, वो पहले वीजा लेकर आती है और माँ बाप की सेवा कर उनको तंदुरुस्त कर जाती है। लेकिन बेटा अगर विदेश में हो, माँ बाप करा करा कर भी चिल्ला चिल्ला कर भी बोल रहे होते हैं, तो उनके लाख बहाने होते काजोल कि पापा क्या करूं वीजा नहीं मिल रहा। तो इसलिए डॉक्टर धनोज कुमार हमेशा लड़कियों को आगे रखा है, सम्मान करता है, बढ़ावा देता है, और यही नतीजा हमारी छोटी बहन मीनू अक्सर जो हमें कहते हैं, हम लोग एक दूसरे को जो कई ऐसे सम्मेलन हुआ है कवि सम्मेलन जहाँ भाग मिला मौका मिला, लेकिन मैं दो लाइन चलता हूँ कृष्ण मुरारी, क्योंकि उनके बिना नहीं है। कहते जिनके जिनके लिए जग दीवाना वो राधा दीवाना होए, जिनके लिए जग दीवाना वो राधा दीवाना होए, और होली बिना लठ मार का बिल्कुल ना हो। क्योंकि लठ मार की होली ना हो तो लठ मार क्या है, तो देवेंद्र जी खात पर सुनिएगा आप। मन माखन मेरो बर्ज की मैं ले चलता आपको बैठे बिठाए न्यूज वर्ल्ड स्टूडियो से सीधे आपको मैं नंद नगरी लेके चलता हूँ। नंद नगरी मतलब दिल्ली का सीमापुरी वाला नंद नगरी नहीं, वो जो कहते हैं वृंदावन मथुरा कृष्ण नगरी नंद नगरी, क्योंकि नंद के लाल। तो दो लाइन में वहीं से उठाता हूँ। मन माखन मेरो चुरा गयो रे, वो गोपियां सब कहती जो माखन लेके जाते हैं, क्योंकि कृष्ण जी को माखन ही प्यारा था, उसको लड्डू मेवा मिश्री कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ माखन प्यारा था। और राधा वो कहती थी कि भैया ये माखन चोर तो मेरा दीवाना है। तो आइए वहीं से उठाते हैं। मन माखन मेरो चुरा गयो रे, प्यारो प्यारो मेरे मोहन, प्यारो प्यारो मेरो मोहन,
मन माखन मेरो चुरा गयो रे, प्यारे प्यारो मेरे मोहन नैनों से ये बात करे। कृष्ण जी की बात हो रही है, कृष्ण जी मुख से नहीं बांसुरी बजाते थे, उनका बांसुरी बजता था और नैनों से बात करते थे और गोपियां उनके नैन को देख के ही मंदमुग हो जाती थी। तो क्या कहते हैं काजल, सुनिएगा, और आपके व्यूअर्स भी आज होली के उपलक्ष में भगवान कृष्ण को याद करें और राधे राधे बोले और रंग गुलाल लगाए, प्यार से लगाए। मन माखन मेरो चुरा गयो रे, प्यारो प्यारो मेरे मोहन नैनों से बात करे, नैनों से बात करे, मुख से ना कुछ बोले, नैनों से बात करे और मुख से कुछ ना बोले, जब जब बोले मीठो मीठो बोले, जब जब बोले मीठो मीठो बोले, काना अमृत कान में घोले, काना अमृत कान में घोले, ओ यो तो सो सो तीर चलाए। तीर मतलब वो नहीं, वो तीर जो दिल को घायल कर दे और उनके लिए बन बन भटके लोग। आज भी देखते हैं गोवर्धन में जाते हैं, परिक्रमा करते 22 किलोमीटर का और कहते हैं देखो मेरे को कोई थकावट नहीं है। तो वहीं से मैं कहता हूं उनकी लीला, वो यो तो सो सो तीर चला गयो रे, वो तो यो यो सो सो तीर चला गयो रे, मेरे प्यारे प्यारे मोहन। क्या बात है। मन माखन मेरो चुरा गयो रे, मोरे प्यार प्यारे मोहन। अब देखिए वो है क्या मोहन, बहुत रंगीली बहुत छबीली। देवेंद्र भाई कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे आपको। मनोज जी, देवेंद्र जी को तो शायद नींद आ रही है, देवेंद्र जी को उठाना बहुत जरूरी है, होली के दिन भी सो रहे हैं देवेंद्र जी। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि दादा से फुर्सत होगा, होली की दादा को कैसे मंत्र मुक्त करेंगे। वो हमें पता है काजल, आपको नहीं पता है, हम लोग कई बार शिरकत किए एक जगह, वो मीनू को पता है, कहते ना मीनू का, वो कहते ना पधारो मारो देश, मैं चाहूंगा कि मेरे पास जरूर मीनू उसको कहे। लेकिन कृष्ण जी क्या है, बहुत रंगीली बहुत छबीली, बहुत अनुरागी है मेरो मोहन, बहुत रंगीली बहुत छबीली बहुत अनुरागी है मेरो मोहन, चंचल चपल यो रमनी रमता, चंचल चपल यो रमनी रमता, गोपी बल्लभ मोरे मोहन, गोपी बल्लभ मोरे मोहन, यो तो भक्तों का चीत चुरा गयो रे, यो तो भक्तों का भक्त, आजकल अंधभक्त बोलते हैं, मुझे भी बोल देते हैं, जब मैं टीवी डिबेट में होता तो मुझे भी लोग अंधभक्त बोलते हैं, भाजपा का अंधभक्त, लेकिन मैं कृष्ण कृष्ण के लिए अंधभक्त हूँ। और क्या कहता हूँ, यो तो भक्तों का चीत चुरा गयो रे, मेरो प्यारो प्यारो मोहन, यो तो प्यारो प्यारो मोहन। और लास्ट का याद कीजिएगा, दो लाइन है, सुंदर श्याम कमल तन लोचन, सुंदर श्याम कमल तन लोचन, दुख मोचन यो ब्रजराज मोर मोहन, दुख लोचन यो मोरो ब्रजराज मेरो प्यारो मोहन, मन माखन मेरो
चुरा गयो रे मन माखन मोरो चुरा गयो रे मोरो प्यारो प्यारो मोहन बुरा न मानो होली है। चलिए बुरा मान जाएंगे देवेंद्र जी तो उनके पास भी चलते हैं, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं देवेंद्र जी। जी सुनिएगा एक मस्ती की चार पंक्तियां। दादा ने बेटी की बात करी थी तो होली के इस पावन मौके पर जो नव दुर्गा की रूप बेटियां होती है, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल 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 स्वागत है। हाँ तो नव दुर्गा की रूप जो बेटियां होती है उनके सम्मान में पहले चार पंक्ति देता हूँ। तब बेटी से करी जो नफरत भ्रूण हत्या कर, तब बेटी से करी जो मीनू जी और दादा सभी सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, तब बेटी से करी जो नफरत भ्रूण हत्या कर, नारी तूने नारी का ही सर्वनाश किया है और देश में पूजी जाती है वीरता वीरांगना की, झांसी महारानी की कथा का नाश किया है कि जहां पर होती पूजा नारियों की देश में तो वहीं पर देवी देवता का वास होता है। ओ ब्रिजबाला राधे रानी भी तो एक नारी थी, अभी भी श्याम राधिका का प्रेम रास होता है। दान की करूं तो बात कन्यादान महादान, दान की करूं तो बात कन्यादान महादान इसी से ही मिलती है बैकुंठ में सीढ़ियां, और बेटी से ही लाड़ प्यार बेटी परिवार सारा, बेटी से ही तैरती है साथ साथ पिया, और बेटी से ही घर बार बेटी लक्ष्मी पार्वती। एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं भारत की नारी से पूछने जा रहा हूँ, वो प्रश्न बिल्कुल मैं सटीक पूछ रहा हूँ, कब बेटी से ही घर बार बेटी लक्ष्मी पार्वती वंश की परंपरा को आगे बढ़वाएगी, मरती रही जो गर्भ में ही ऐसे बेटियां तो बेटा तो पैदा करेगी, क्या बात है, बहू कैसे लाएगी, क्या बात है, बहुत अच्छा। कब बच जाए भ्रूण बेटी का तो यदि कोई यहाँ करे मजदूरी सारी जिंदगी भवन में। जब लड़की की शादी कर दी जाती है तो सारी जिंदगी कहीं ना कहीं उसे कहे के मतलब अपना जीवन किसी दूसरे की सेवा में लगाना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए पति के लिए। कब बच जाए भ्रूण बेटी का तो यदि कोई यहाँ करे मजदूरी सारी जिंदगी भवन में, कब बच जाए भ्रूण बेटी का तो यदि कोई यहाँ करे मजदूरी सारी जिंदगी भवन में, और जिम्मेदारियों के बोझ तानों के ही नाम मिले आहुति में चलती दहेज के हवन में। तब बेटी को पढ़ाना होगा नारी को जगाना होगा, वरना काली कोप के शिकार बन जाओगे, और व्यथा नहीं समझी जो बेटियों के मन की तो स्वर्ग में नहीं रहोगे नरक में जाओगे। क्या बात है, और होली की बहुत सुंदर। पर ये थोड़ा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और डिजिटल जमाना है, तो हम लोग भी थोड़ा डिजिटल हो रहे हैं, आप लोगों को स्ट्रीम यार्ड से जोड़ते हैं, लाइव जोड़ते हैं, तो थोड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में आपकी जो कविता थी वो तो बहुत खूब लगी, लेकिन कुछ शब्द स्पष्ट नहीं हो पाए हैं नेटवर्क की वजह से। तो ऐसे में मैं मीनू जी का रुख करूंगी। मीनू जी भी बहुत देर से शांत बैठी हुई है, लेकिन श्रृंगार रस की वो महारत हासिल है, तो उनसे भी आखिर में हम सुन लेते हैं, फिर इस कार्यक्रम को यही समाप्त करेंगे। जी जी स्वागत जी, आप जी, सभी जी। का पुनः स्वागत करती हूँ। देवेंद्र जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ यहाँ पर किया है। बेटियों की बात चल रही है साहब, बेटियां क्या होती हैं? बेटियां अपने घर में जन्म लेकर दूसरे के घर को संवारती दो फूलों की लाज होती है बेटियां। आदरणीय दादू सुनना आप, सरोज दादू को प्रणाम करती हूँ साहब। बेटे वो होते हैं जो माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं। देवेंद्र जी ध्यान चाहती हूँ कि बेटे वो होते हैं जो माँ बाप को स्वर्ग तक लेकर जाते हैं, लेकिन बेटियां वो होती हैं साहब जहाँ जाती है उसी जगह को स्वर्ग बना देती है, उसी जगह का स्वर्ग बना देती है। बेटियों के मन की बात करती हूँ, एक छोटी सी घनाक्षरी पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद अपना काव्य पाठ करती हूँ। दोस्तों आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सुनिएगा। कि ताजा खिली कलियों से आगे हूँ की बालियों सी, कविता कवालियों से सादगी है बेटियां। कि ताजा खिली कलियों से आगे हूँ की बालियों सी, कविता कवालियों से सादगी है बेटियां।
सबको सवारती ये निज मन मारती है, दो कुलों की तारती है, ताजगी है बेटियां। पूजा की जो आरती सी लगे माता भारती सी, दो कुलों को तारती है, ताजगी है बेटियां। बेटियों की बात कर की साहब, बेटियों की बात चल रही है, उसके बाद एक श्रृंगार का मुक्तक आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मुक्तक मेरा बहुत पसंद आएगा, सुनिएगा। कि खुदा से प्रेम प्यार श्रृंगार मनोहार का ये मुक्तक है कि खुदा से रोज तेरी मोहब्बत का इकरार किया करती हूँ, खुदा से रोज तेरी मोहब्बत का इकरार किया करती हूँ, तेरी तस्वीर बनाकर उसे प्यार किया करती हूँ। कि खुदा से रोज तेरी मोहब्बत का इकरार किया करती हूँ, तेरी तस्वीर बनाकर उसे प्यार किया करती हूँ, और किसी दिन आओगे मेरी चौखट पर, किसी दिन आओगे मेरी चौखट पर, इसी उम्मीद पर हर शाम इंतजार किया करती हूँ, इसी उम्मीद पर हर शाम इंतजार किया करती हूँ। धन्यवाद। एक मुक्तक पढ़ती हूँ दोस्तों, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। सुने एक मुक्तक आप सभी के बीच में रखती हूँ। आशिकी में आशिकों की मार जरूरी है, आशिकों की बात करती हूँ दोस्तों। होली का त्योहार आ रहा है, आशिकी और प्रेम प्यार का त्योहार आप सभी के बीच में आ रहा है 17 तारीख को होली, सुनिएगा। चलिए एक मुक्तक आप सभी के बीच में रखती हूँ। वक्त का इंतजार करती हूँ, वक्त का इंतजार करती हूँ, डूब करके श्रृंगार करती हूँ, ये पता है मुझे अब नाएगा, फिर भी मैं तुझसे प्यार करती हूँ, फिर भी मैं तुझसे प्यार करती हूँ। एक मुक्तक और सुनिएगा, धनोज दादू मुक्तक पेश है आप सभी की सेवा में, बिल्कुल आनंद लीजिएगा। आप बोल नहीं रहे, चुप बैठे हैं। अरे नहीं, सुन रहा हूँ ना। मुक्तक पढ़ने जी दादा, मुक्तक पढ़ते हूँ, सुनिएगा और आनंद लीजिए। सुने बिल्कुल स्वागत। एक मुक्तक हाजिर करती हूँ आप सभी के बीच में। रांझा के प्यार में यूं दीवानी हुई, रांझा के प्यार में यूं दीवानी हुई, हीर की देह खुद से वीरानी हुई, ये मिलन प्रेम का कुछ हुआ इस तरह, दोनों मिल ना सके पर कहानी हुई, दोनों मिल ना सके पर कहानी हुई। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत सुंदर सुंदर गीत यहाँ हमें सुनने के लिए मिले हैं, बहुत प्यारी प्यारी कविताएं और देशभक्ति से जो सराबोर कराया देवेंद्र जी ने और धनुज जी ने, वो तो वाकई काबिले तारीफ था। और श्रृंगारस का क्या कहना, मीनू जी तो पीछे नहीं रही श्रृंगारस कहने में, बहुत ही खूब सुंदर कविताएं पंक्तियां आपने बोली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कवि सम्मेलन में, और इतनी खूबसूरत कविताएं गीत हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज होली का त्योहार है, पूरा देश होली मना रहा है, कवि सम्मेलन जो कि आपको खूब गुदगुदाने वाला है, और देशभक्ति और साथ ही साथ श्रृंगार रस से भी सराबोर कराने वाला है। तो ये तमाम पंक्तियां आप लोगों तक हमने पहुंचाई है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसे पसंद कर रहे होंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। एक बार फिर से आप सभी को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।